बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ा हुआ है। सच्चा भारत नहीं, लुच्चा भारत है। वो हमारा हक मांगता है हमको, इसलिए इससे लंबा आया है हम लोग। और महिलाओं को के लिए काफी बुरा वक्त है, 2.5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं कह रही है मोदी सरकार को जाना होगा। राजनीति कर रहा है अपनी, राजनीति करके ये तो अलहदा अलहदा होके बैठ जाएंगे। जो हम आपस में वो मर पीट के फिर वही हो जाएंगे, हम ही बर्बाद हो रहे। पहले जब वायलेंस हो रहा था तब सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अभी जब वायलेंस हो रहा है तो बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ा हुआ है, ये हमें आज पता चलता है। कठुआ में, उन्नाव में, बहुत सारे जगह में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई है। सत्ता में आने से पहले इस सरकार ने बहुत सारे वायदे महिलाओं से किए थे कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन कितनी हिंसा और कितना अपराध और कितना छेड़खानी नौजवान बच्चियों से और महिलाओं से बलात्कार के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। माहौल बनाए दहशत का, जिस माहौल के अंदर जो जो अपराधी हैं वो ही संगठित होकर विरोध कर रहे हैं न्याय मांगने वालों का। एक तरीके से जो न्याय मांगने वाले हैं उनके खिलाफ एक संगठित भीड़ें तैयार की जा रही हैं। तो ये जो माहौल है इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं बोलें आके। और दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं की जितने भी वो कानून वगैरह अब तक जो बनाए गए थे उन सब में उनको बेलेबिल बनाने की बात हो रही है, जैसे दहेज वाला जो कानून है और तमाम। तो एक तरीके से एंटी वीमेन काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इस समय कर रहा है सारा, और महिलाओं को के लिए काफी बुरा वक्त है। जात धर्म ये जो झगड़ा चल रहा है वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए शिक्षा, हम लोग को चाहिए रोजगार, हम लोग को चाहिए ये जो रेशन में अनाज चाहिए, जो कैश ट्रांसफर नहीं चाहिए हम लोग को। महिलाओं के साथ जो वॉयलेंस हो रही है उस वॉयलेंस के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, और ऐसा पहला ये शासन देखा है 2014 से कि जो एक्यूज, जो रेप के एक्यूज या विमेंस वॉयलेंस के एक्यूज हैं वो जब जमानत पे छूट के आते हैं तो अलवर राजस्थान का मैं कहती हूँ कि उनको सम्मानित किया, हो सकता है बाकी देश में और जगह भी हो रहा हो लेकिन वहाँ उनको जब जमानत पे छूट के आते हैं तो उनको सम्मानित किया जा रहा है, उससे उनके हौसले और बुलंद है। हिंदुस्तान में कहते हैं गुजरात भाजपा का मॉडल है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार, महिला बलात्कार, 4 साल की बच्ची से लेके बुढ़ी तक सलामत नहीं है। हर रोज बहुत ही अत्याचार, वो सर्किट हाउस में, रोड में हो, खेतों में, घर में हो, ऑफिस में हो, महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ का जो नारा लगाया है लेकिन वो महिला बचाओ गुजरात में नहीं चल रहा है, महिला सलामत नहीं है। देने का जो आपने वादा किया था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो उसकी उस वादे को पूरा करिए, ना कि आप लोगों के ध्यान को भटकाइए। अलग अलग रोज नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और कोई भी अपनी मांग उठाता है, बात उठाता है तो उसको आप देशद्रोही करार दे देते हो। असम से न्यू दिल्ली में आया है सेंट्रल गवर्नमेंट को होशियारी देने के लिए। मोदी सरकार नहीं चलेगी हमारे मुल्क के अंदर, इसके लिए 23 राज्यों से 10,000 से ज्यादा औरतें हर एक कोने कोने से इस मुल्क के आई है दिल्ली के रास्ते पर ये आवाज बुलंद करने के लिए कि हम हिंसा, भूखमरी, बेरोजगारी नहीं सहन करेंगे, मोदी सरकार चले जाओ।